कैमरा फायर पार्टी के कैमरा दादा कैमरा पार्टी के मैडम एक बार समोर समोर मैडम समोर 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 मैडम ये दिया मैंने ये हुआ है It's like life has come a full circle. Femina Miss India का खिताब जीती थी मैं 18 साल की उम्र में. मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया था और उसी खिताब की जीतने के बाद मेरे लाइफ में इतने सारे खूबसूरत चेंजेस आए, बदलाव आए, बहुत कुछ सीखने को और करने को मिला. और आज की शाम जो मुझे फेलिसिटेट किया जा रहा है, मेरे लिए एक फुल सर्कल की तरह है. इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ ऑल द वंडरफुल चॉइसेस आई मैनेज्ड टू मेक एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड एंड हंबल्ड एंड ग्रेटफुल. मेरी मॉम हमेशा कहती थी बचपन से, जब भी कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है या प्रेज करता है मेरे लुक्स को लेकर, वो हमेशा कहती थी कि ब्यूटी इज़ व्हाट ब्यूटी डज. अगर आपके ख्याल आपकी सोच में खूबसूरती हो तो आपकी इंसानियत में खूबसूरती होगी. एंड आई रियली होप दैट ऑल द कंटेस्टेंट्स विनर्स ही नहीं, सारी जो लड़कियाँ आज यहाँ पर हैं वो इस बात को जानें समझें और जो उनकी खूबसूरती है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें. आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म है लड़कियों को एक बहुत इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी देता है टू मेक अ डिफरेंस. एंड आई थिंक मैं अगर जज होती तो मैं हमेशा यही देखती कि इंसान में कितना कंपैशन है, कितनी एम्पथी है और किस तरह से वो सोचती है. मुझे पूछा गया था इफ आई वाज द पुलिसमैन इन द गार्डन ऑफ ईडन हु वुड आई पनिश, एडम ईव और द सर्पेंट. और मैंने कहा था कि नाइदर ऑफ नन ऑफ देम, बिकॉज इफ दे हैडन सिन द अर्थ वुड नॉट हैव बीन क्रिएटेड, वी वुडंट नो लाइक द वे वी डू. आई थिंक फॉर मी इट्स अ मोमेंट ऑफ नॉस्टैल्जिया. It's a moment that brings back some wonderful memories. लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले ये सोच रही थी कि मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है आज. वो बहुत बहुत गर्वशाली हुए थे जब मैंने ये खिताब जीता था और वो खुद चाहते थे कि मैं पार्टिसिपेट करूँ. माई मदर वॉज वेरी हेजिटेंट अबाउट सेंडिंग मी, वो चाहती थी कि मैं लॉ स्कूल चली जाऊँ. She thought it would come in the way of my studies. But my father encouraged me and he was very proud and I'm missing him today because I know that if he was here he would have been even more proud of this felicitation that I'm being given. Yeah, sunne mam aap ye India ka kitab hai kitna mahatvapurna hai. Har ladki Miss India hoti hai, har ladki mein wo sare gun hote hain, lekin ye jo platform hai उन गुणों को रिकग्नाइज करता है और उन लड़कियों को एम्पावर करता है टू फर्दर देयर ड्रीम्स, टू फर्दर देयर एस्पिरेशंस. और जैसे कि हर करियर चॉइस में या हर इंसान के लाइफ में उनकी जो इंडिविजुअल चॉइसेस हैं वो फिर जाके रिफ्लेक्ट होती है, ये तो शुरुआत है. I haven't met them yet, but I'm sure when I do, they will want to ask me questions. But मैं हमेशा लड़कियों से यही कहती हूँ कि यहाँ तक आ गई हो यही बड़ी बात है. तुम जीतो या ना जीतो, ये याद रखना कि जब यहाँ से जाओगी तो जिस तरह का कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ गया होगा वो शायद ही कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आपको देगा. क्योंकि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप 3 महीने अपने माँ बाप से दूर पहली बार एक इंडिपेंडेंटली कुछ एक्सपीरियंस करते हो, एंड द प्रेशर इज हाई, सो यू हैव टू फाइंड योर बैलेंस एंड ऑल ऑफ दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू परस्यू अदर थिंग्स इन लाइफ. जैसे कि मेरे साल में जितने कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने सब जाकर अपने करियर्स में अलग अलग करियर चॉइसेस की सब ने,
they've all done really well for themselves and they've all really excelled. Balusha D'Souza हमारे साल में contestant थी, आज देखिए वो अभिनेत्री के रूप में आ रही हैं. She reflects so much positivity and confidence and strength. So I really think that it's a platform that empowers these girls. It gives them an opportunity to go out and seek whatever their dreams may be in life, but it helps them do things better. बता दिया ना, सेम आंसर बनेगा. माय शूटिंग फॉर सलाम मुंबई इज कंप्लीट. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आई एम अ बिग फैन ऑफ इरानियन सिनेमा. वर्ल्ड ओवर लोग इरानियन फिल्म्स को बहुत सराहते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. इट वॉज अ नॉवल यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई हैड ग्रेट फन शूटिंग फॉर द फिल्म एंड आई कांट वेट फॉर इट्स रिलीज. जी रमजान के बाद. थैंक यू. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. तो मार के ना मार नाम मित्रा फायर पार्टी के कैमरा हाथ दादा कैमरा पार्टी के मैडम इधर समोर 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 मैडम ये कैमरा